दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी दोस्तों का हृदय से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि सब आप अच्छे होंगे और हमारे चैनल को देखकर अच्छी सब्जियां उगा रहे होंगे। दोस्तों ये गार्डन हमने मुद्रा जी के लिए बनाया हुआ है, जिसमें 6-7 महीने से अच्छी सब्जियों की पैदावार ऑर्गेनिक तरीके से मुद्रा जी ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा गार्डन डेवलप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारे पास 200 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए ऑप्शंस हैं। तो आज ही हमारे वेबसाइट पे दिए फोन नंबर पे आप संपर्क करें, आपकी जरूरत के हिसाब से हम आपके गार्डन को डेवलप करके देंगे, जो कि आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाने को मिलेगी। आपके ही घर में आराम से अपने छत पे आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। जिनको फूल उगाने का शौक है उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि 2-4 कंटेनर में ही सही सब्जियां उगाने की कोशिश करें। दोस्तों हमारे अंदर धीरे धीरे ढेर सारा जहर जा रहा है, अगर उससे हमें छुटकारा चाहिए तो हमें ये करना ही होगा। दोस्तों हमारी वेबसाइट पर विजिट करें seedbharat.com और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आप अपने जरूरत के हिसाब से हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे फोन नंबर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी होगा हम आपके ऑर्डर को सुनेंगे और उसको हम आपको भेजेंगे और साथ में हम आपके गार्डन को भी डेवलप करके देंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर कदम बढ़ाते हैं, एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं मुद्रा जी के खूबसूरत गार्डन टूर पर, जो मुद्रा जी के प्रयासों से सफल हुआ और मेरे द्वारा तैयार किया गया। तो आइए चलते हैं। राम राम दोस्तों। देखिए एक प्रयास जो है किस तरह से आपको स्वस्थ रख सकता है, ये हमारे संगठन के वरिष्ठ छगन मुद्रा जी हैं, उनकी छत पर हमने सेटअप लगाया था और किस तरह से देखिए गार्डन उन्होंने तैयार किया, मतलब हम मिलके तैयार किए, हम आपको दिखा रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए ये लाल भाजी है, ये टमाटर है, ये जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना वो वाला टमाटर है, कुछ ये बड़े वाले भी हैं। साथ में इनमें भाजियां लगी हुई हैं देखिए, और ये पालक है, धनिया। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी कोशिश और ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाने को मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। ये बैंगन है, ये पालक है, बहुत सुंदर हो रहा दोस्तों। होता क्या है कि जब हम शुरू में लगाते हैं ना तो मिट्टी हमारी उतनी रिच नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे खाद और ये सारा कुछ डालने से हमारी मिट्टी रिच होते जाती है और हमारा गार्डन जो है धीरे धीरे लहलहाने लगता है। ये बीन्स हैं दोस्तों, और ये मटर है, भाभी को मटर खूब पसंद है तो उन्होंने मटर खूब लगवाई है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि उन्होंने कंपोस्ट खुद तैयार करना शुरू कर दिया। देखिए इसमें किचन वेस्ट और साथ में जो गार्डन का गार्बेज निकलता है वो एक ड्रम में देखिए किस तरह से वो इसका कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिए। मतलब देखिए एक कोशिश हमें करने की ज़रूरत है, अपने आप सब होते जाता है। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ इसमें पालक लगे हुए हैं, धनिया की खूबसूरती देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया धनिया। इसको तोड़ते जाइए खाते जाइए, तोड़ते जाइए खाते जाइए, एक खत्म ही नहीं होगा। इस तरह से चलता है ये, एक तरह की अरबी है जिसके पत्तों की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। ये बैगन है। एक्चुअली दोस्तों मुद्रा जी का छत जो है ना कोरा कागज था, और लेकिन बहुत खूबसूरत यानी बहुत स्पेसियस, जो चाहे आप मीन्स वो लगा सकते थे। ये देखिए मटर इसमें फलने शुरू हो गए, बहुत सुंदर लग रहा दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा, और उनको वेजिटेबल भी खाने को मिल रही है। इधर जो है तो ये फूल लगे हुए हैं, वाटर लिली, कई कलर के हैं, और ये लौकियां फल रही हैं। सेम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है,
देखिए वही सेम का सीड्स यहाँ भी हमने लगाया था जो हमारे यहाँ, देखिए ग्रीन ग्रीन और खाने में बहुत टेस्टी। लौकी भी वही है गोल वाली, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। और ये वेजिटेबल जो हम खाएंगे और हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखेगा उसका क्या कहने, बस एक कदम आप बढ़ाइए, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, आपको ढेर सारे वेजिटेबल मिलेंगे। दोस्तों कैमरे के सामने तो हल्का सा कुछ लग गया था जिसकी वजह से उतना अच्छा नहीं सूट हो पाया, लेकिन मेरे को टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको दोबारा सूट नहीं कर सकती, आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा। बस ये देखिए कि इनका प्रयास कितना बढ़िया, अपने छत को इन्होंने हरा भरा कर लिया। ये प्याज है जो प्याज से उगाई गई है, ये बीन्स वगैरह है, ये देखिए ये तो पारिजात है, पारिजात है। कुछ गमले खाली हैं जिनको बहुत जल्दी भर लेंगे, टमाटर पक भी रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आलू है और ये भी बीन्स है, बीन्स बहुत लगा लिए। ये मूली है जो थोड़ी ज्यादा घनी हो गई है, ये देखिए दोस्तों। तो कहने का मतलब एक कोशिश करिए और ये देखिए कितना खूबसूरत छत और ढेर सारी वेजिटेबल जो कि और मिल सकती है, कोशिश करते रहेंगे ये होता रहेगा। तो दोस्तों मैं अकेली हूँ, कोई सूट करने वाला नहीं है, तो हमने कहा खुद ही कर लेते हैं। ये मुदड़ा जी की छत है, कितनी सुंदर, देखिए कितना बढ़िया हर वेजिटेबल हो रहा है, देख रहे हैं? तो एक कोशिश तो करो, निकलो बिस्तर से, थोड़ी सी कोशिश करो, अगर स्वस्थ रहना है ऐसी सब्जियां खानी है। ये देखिए, देखा, मुद्रा जी को बहुत शौक था कि हमको चाहिए चाहिए, हमने कहा ठीक है चलिए कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग आसपास के हैं ना तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की, और खाद बीज सीड्स दिलाने की भी कोशिश कर सकती हूँ। वैसे मैंने अपना वेबसाइट भी बना लिया है seedbharat.com, उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सीड देसी सीड्स मिल जाएंगे। अब जैसे ये देखिए कितना सुंदर फल रहा है, ये देखिए ये सेम है। तो इस तरह से आपको सीड्स हम अवेलेबल करा सकते हैं, बस आप बोलिए। तो हम जा रहे हैं। दोस्तों अभी आप मुद्रा जी के खूबसूरत गार्डन का टूर किया जो कि मुद्रा जी के प्रयासों से और मेरी मेहनत और मुद्रा जी की मेहनत, उनके परिवार की मेहनत, सब मिलकर मेहनत की और इतना खूबसूरत गार्डन हमने तैयार किया जहाँ ढेर सारी सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ मुद्रा जी का परिवार खा रहा है। आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह का आप भी आपका भी गार्डन हो तो आप भी एक प्रयास करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और आप भी एक कोशिश करिए अपने ऑर्गेनिक गार्डन के लिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा छत चाहिए और जिसमें मैं आपके लिए तैयार हूँ हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।